स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। मैथ्स में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में क्या है, रोमन नंबर्स क्या है, 7 बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। द 7 बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इज हिंदी अबेरिक न्यूमरल्स आर गिवन ब्लू। ये क्या है, रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं 7 और हिंदू अबेरिक नंबर दिए गए हैं। 1 को हम आई लिखते हैं, 5 को हम वी लिखते हैं, 10 को एक्स, 15 को हम एल से लिखते हैं, और 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। ये हमारे रोमन नंबर्स होते हैं। तो 1 को हम आई लिखते हैं, 5 को वी, 10 को एक्स, 10 का रोमन नंबर होता है एक्स, 15 का रोमन नंबर है एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम। तो रूल्स ऑफ द राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। ए सिंबल कैन बी प्रिपेयर ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स, बट सिंबल्स लाइक वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। कहते जो भी इसमें जो नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं रोमन नंबर्स के, उनको 3 टाइम्स तक हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जो सिंबल्स ऐसे हो गया वी, एल एंड डी, वी और वी, एल एंड डी को हम रिपीट नहीं कर सकते, हम उसको नेवर रिपीट कर सकते। फॉर एग्जांपल ट्रिपल एक्स, ट्रिपल सी और ट्रिपल एम, इनको हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बचता है 5, एल एंड डी, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। देखिए हमारे रोमन न्यूमरल्स में कौन कौन से हैं, आई है, 5 है, एक्स, एल, सी, डी, एम। तो उसमें से हम फर्स्ट को आई को रिपीट कर सकते हैं, 5 को नहीं कर सकते हैं, वी को नहीं कर सकते, एक्स को रिपीट कर सकते हैं, एल को रिपीट नहीं कर सकते, सी को भी रिपीट कर सकते हैं, डी को रिपीट नहीं कर सकते, एम को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा रूल 2 है हमारा, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्रेस्ड आफ्टर द ग्रेटर वन, वी ऐड द वैल्यूज ऑफ ऑल डिजिट कमिंग वन आफ्टर द अदर। या कहते हम कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके हम उनको न्यूमरल नंबर्स को ऐड कर, जैसे हैं सी, एक्स, वी, आई। तो इसका हमारे क्या नंबर आ रहा है, तो सी हमारा 100 होता है, एक्स हमारा 10 होता है, वी 5 होता है, आई और 1 होता है। तो हमने 100 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 कर दिया, इनको हम ऐड कर देते तो हमारा आ जाता है। ऐसे ये वाला है रूल 3 आपका, इफ ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस बिफोर ए लार्ज वन, वी सब्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एडिंग। क्या कहें, जब हमारे यहाँ पे जब स्मॉलर न्यूमरल नंबर पहले, वो सॉरी स्मॉलर पहले है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे होता है ना, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। इस तरह हमारा पहले स्मॉलर है, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे भी ग्रेटर, फिर उससे भी ग्रेटर, इस सीरीज में है तो हम ऐड करेंगे। और अगर हमारा इस सीरीज में पहले 10 है, फिर 1 है, तो हमारा पहले ये 10 से है, ये हमारे इस सीरीज में है, पहले हमारा ग्रेटर है, फिर उससे स्मॉलर है, तो इस सीरीज में हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, इस तरह सारा रूल है, आप लोग इनको देख लीजिए। आगे हम देखते हैं, कहते हैं राइट द वैल्यू ऑफ ईच रोमन न्यूमरल्स। तो हमें इनके रोमन न्यूमरल्स के वैल्यू लिखनी है। तो वी का हमारा क्या होता है 5, एक्स का हमारा 10 होता है, एल हमारा 15 होता है, एल हमारा 15 होता है, आप देख लीजिएगा, सी हमारा 100 होता है, और एम हमारा 1000 होता है, डी हमारा क्या होता है, डी हमारा 5000 होता है। ये हमने ये कर दिया। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू न्यूमरल नंबर्स। इनको हम, ये हमारे न्यूमरल नंबर्स दिए हुए, इनको हमें रोमन न्यूमरल्स में करना है। तो इन्हें हमें क्या है, रोमन नंबर्स में लिखना है। तो हम 55 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 प्लस 5 कर देंगे। तो 10 का हमारा क्या होता है, 10 का हमारा, सॉरी यहाँ पे 15 प्लस 5 करेंगे, तो 15 का हमारा L होता है, 5 का हमारा क्या होता है V, तो हमारे ये आ जाएगा एल वी। इस तरह 18 है, इस तरह आपका 18 है, तो 18 का हम क्या कर लेंगे, 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो क्या होगा यहाँ पे L, 10 का X, फिर X, फिर X, इस तरह 83 है आपका। तो 15 प्लस
10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा एल एक्स 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 और 3, ये हो जाएगा आपका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो। ये आगे क्या आप लोग खुद, सॉरी, ये डी ई एफ जी एच, ये आप लोग खुद करने की, स्वयं करने की कोशिश करिए, अगर नहीं होता तो हम कल बताएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो, थैंक यू।